हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी के साथ 12th क्लास का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसका जो सेट 2 अभी आया हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें। देखिए, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका हम आंसर जो है उसे टिक लगा देते हैं और बता देते हैं। तो इसमें से जो है पहला, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। तो इसमें से चार ऑप्शन है, आर एस्टविस्ट, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है करेक्ट वो होगा आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का पूरा अगर देखें पूरा नाम तो राखल दास बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो हल्का साक्ष्य था वो इसमें से कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद कितने थे। तो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके थे कि जो महाजनपदों की संख्या थी वो 16 थी। 16 महाजनपद थे, उनमें से कुछ इस तरह से थे। अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हम आपको 16 के 16 जनपद आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, सांची स्थित है। तो जो सांची वो है वो कहाँ पे स्थित है। इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल के निकट, इंदौर के निकट, दिल्ली के निकट, आगरा के निकट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भोपाल के निकट है। तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म की भाषा क्या थी। तो धम्म हम बता दें कि धम्म जो था वो अशोक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, और इसकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा है। कहीं कहीं कोई दूसरा भी आता है लेकिन इसमें से करेक्ट ऑप्शन प्राकृतिक भाषा है। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका जो है आंसर वो भारत में आएगा, क्योंकि जो तक्षशिला था वो भारत के बिहार में ही था, किसी दूसरे देश में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। तो इसका आंसर जो है वो अशोक है, अशोक इसका आंसर है। अशोक ने ही धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो अशोक थे। इसका करेक्ट आंसर अशोक होगा। कहीं कहीं आप चंद्रगुप्त मौर्य के कारण से थोड़ा हो सकता है तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस वंश का स्थापना किया था उसका नाम था गुप्त वंश। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो महात्मा बुद्ध था उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक स्थान का नाम है, ये शायद बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था। चीनी यात्री जो था वो फाहियान वो भारत कब आया था। तो जो थे वो गुप्त काल में आए थे। उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कल्चर रहा था। इसका हो सकता है तो इसका जो डेट है वो भी आ सकता है, तो इसका डेट भी याद कर लें। नयनार संत पूजा करते थे। तो किस भगवान का पूजा करते थे। जो अलवार थे और नयनार, आपने पढ़ा होगा अलवार और नयनार, तो उसमें से जो नयनार थे वो शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक जो एक ग्रंथ का नाम है, और उसमें से जो है वो कबीरदास की पूरी जीवनी के बारे में लिखा गया है, तो उन्हीं का इसमें से संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु, तो मीराबाई के गुरु जो थे वो रैदास थे। इसका भी अगर चाहिए तो आप बता दीजिए, हम सारे गुरु और उसके जो शिष्य थे उसके नाम हम आपको दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो बीरबल तो नहीं था, मानसिंह वो भी नहीं था, टोडरमल, अबुल फजल। तो जो टोडरमल थे वो इनके वित्त मंत्री थे, जो इसके पूरे खजाने का और उसके जो भी काम था उसके बारे में ख्याल रखते थे। नेक्स्ट है, जजिया कर किस लिए लिया जाता था। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उनको गलत लग रहा है, इसमें से होना चाहिए जजिया कर किससे लिया जाता था। तो जो जजिया कर लिया जाता था वो जिमियों से लिया जाता था,
इन लोगों से नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट है, अकबर की राजधानी कहाँ थी? अकबर की राजधानी जो थी वो पहले दिल्ली थी, उसके बाद आगरा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1605 ईस्वी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, संताल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिद्धू कान्हू है। इन्होंने ही संथाल विद्रोह का झारखंड में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो हम आपको बता दें कि ये जो था शुरू शुरू में मेरठ से आरंभ हुआ था, उसके बाद लगभग ऊपरी छोर जो है यानी कि भारत के उत्तरी उत्तरी तरफ उस तरफ फैल गया। बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई। इसमें पूछा गया है बिहार का जगदीशपुर यानी कि बिहार के अंदर ही जो किया गया था वो किसने किया? तो इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो, इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कुंवर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शायद लगता है ऐसा कि ऐसा लगता है जैसे कि वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बट इकोनॉमिक्स का नहीं, ये हिस्ट्री का ही है। धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवाह का सिद्धांत, तो इसका भी जो है वो इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हिस्ट्री में तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कगार पर है। तो इसका जो आंसर है, उसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है देखिए 1853 है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1853, तभी जो रेल का शुरुआत किया गया था और इसका शुरू शुरू में चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, रोलक्ट कानून यानी रोलक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है देखिए, नंबर 3, नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है, 1919। ठीक है, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? विवेकानंद, आर एन टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो हैं विवेकानंद वो किसी और के गुरु थे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका कहीं कहीं नाम छोटा करके भी दिया जाता है शॉर्टकट में, तो इसका नाम याद रखें। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो आपको बता दें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1918 में शुरू किया था, शायद 1922 में शुरू किया था, उसके बाद 1922 में ही कुछ दिनों के बाद ही तुरंत ही वापस ले लिया था। तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो 1922 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, छोटा में करके दे दिया गया। दूसरा है मोतीलाल नेहरू, और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सी आर दास, और 4 है बी एंड सी। यानी बी एंड सी का मतलब हो गया, देखिए बी एंड सी, तो बी एंड सी में आपका आ जाएगा मोतीलाल नेहरू, और थर्ड सी आर दास। सी आर दास भी उसी में है। ठीक है, सी आर दास का पूरा नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? यह जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, और लगभग 1946 तक जाते जाते आज़ादी मिल गई थी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो
तो हम जानते हैं कि भारत का संविधान का पिता, थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका कुछ अलग मीनिंग नहीं है। भारत का संविधान जिसने बनाया है उसी को भारत का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर देखिए इसमें से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो दूसरा वाला है, यानी भीमराव अम्बेडकर, इसको छोटा करके लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी के बारे में जानना है तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? गुजरात में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। भारतीय को किस तिथि और किस वर्ष लागू किया गया, इसका है आंसर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1951 और 26 नवंबर 1952। तो हम जानते हैं कि 1949 जो था उसी में से इसको 1949 में ही किया गया था, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 26 नवंबर 1949 को है, ठीक है। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कृपया कमेंट करें, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को आंसर देंगे, ठीक है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, या फिर कमेंट कीजिएगा उसमें से हम आपको दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।